नमस्कार दोस्तों, वैसे थंबनेल से और टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि अभी हम SU-30M के आए और J-11 के बीच एक BVR एंगेजमेंट को करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक सिनेमेटिक वीडियो नहीं बल्कि एक फैक्ट बेस्ड कंपैरिजन टाइप की वीडियो होने वाली है। पहले हम लोग थ्योरी के बेसिस पर कंपैरिजन करते थे, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली कंपैरिजन करने वाले हैं जिसमें हम इन दोनों एयरक्राफ्ट की VVR कैपेबिलिटीज को वन बाय वन चेक करने वाले हैं। इसको बनाने में थोड़ा वक्त लगा क्योंकि अभी तक मैंने इन दोनों के बीच 100 से ज़्यादा डॉग फाइट को सिमुलेट कर लिया है और इनका जो एवरेज मैंने निकाला था उस पर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी हम यहाँ पर टोटल 4 राउंड्स को सिमुलेट करेंगे जिनमें से 2 बार हम बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किए इसको सिमुलेट करेंगे ताकि हम इन दोनों एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम पोटेंशियल को मेजर कर पाए, यानी कि इनके रडार कितनी डिस्टेंस से दुश्मन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर पाता है और कितनी डिस्टेंस पर उन पर लॉक कर पाता है या फिर कितनी डिस्टेंस पर ये मिसाइल को फायर कर पाता है। ये हम इन दोनों एयरक्राफ्ट में बारी बारी चेक करने वाले हैं। इसके बाद हम बाकी 2 राउंड्स में सेम चीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ करने की कोशिश करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो एयरक्राफ्ट है ये अपने सामने वाले एयरक्राफ्ट को किस हद तक जैम कर पाते हैं। और अगर आपको रडार जैमिंग के बारे में बेसिक जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी रडार जैमिंग के ऊपर बनाए गए वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम लोग SU-30 के कॉकपिट में मौजूद हैं और अभी अगर आप लोग देखेंगे तो मेरे बीच और J-11 के बीच जो डिस्टेंस है वो लगभग 222 किलोमीटर। तो मेरे बीच और J-11 के बीच ये आप देख सकते हैं ये SU-30M के आए हैं और ये जो एयरक्राफ्ट है ये J-11 है। तो इन दोनों के बीच अभी जो डिस्टेंस है वो 222 किलोमीटर है। और अभी अगर आप देखेंगे तो SU-30 के रडार वार्निंग रिसीवर में भी कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, यानी कि J-11 का जो रडार वेव है वो हम पे आके अभी तक टकरा नहीं रहा है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो J-11 है या SU-30 है, ये जो पहले 2 राउंड रहेंगे इसमें कोई भी ECM का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल नहीं करेगा। एक और चीज़ यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर SU-30 में हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक रशियन ओरिजिन जैमर है, जब जो कि नॉर्मली SU-30 के पुराने वेरियंट में इस्तेमाल होते थे, क्योंकि MKI में जो 8222 जैमर इस्तेमाल होता है वो फिलहाल के लिए DCS के इस मॉड्यूल में मौजूद नहीं है। लेकिन J-11 की बात करें तो J-11 जो है वो एक ऑफिशियल मॉड्यूल और उसमें सारे के सारे चाइनीज सिस्टम अवेलेबल है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो अभी काफ़ी डिस्टेंस हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और जब एक दूसरे को डिटेक्ट करेंगे तब हम देखेंगे कि कितने डिस्टेंस है एक दूसरे को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब पहले राउंड में SU-30 में देखेंगे और दूसरे राउंड में J-11 में देखेंगे। अभी किसी वक्त वो हमारे रडार स्क्रीन पे आ सकता है क्योंकि हम काफ़ी करीब आ चुके हैं और उसका रडार वेव भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, और जैसे ही आएगा हम देखेंगे कि हमारे बीच डिस्टेंस कितना है। अभी देखो, अभी जस्ट वो हमारे रडार स्क्रीन पे आया है, यहाँ देख सकते हैं ये जो 2 डॉट दिख रहा है वो J-11 है। तो अभी हम देखेंगे हमारे बीच डिस्टेंस कितना है। तो ये मैं हूँ, वाइट वाला SU-30 है और रेड वाला J-11 है। तो हमारे बीच जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 144 किलोमीटर है, यानी कि 144 किलोमीटर की डिस्टेंस पर SU-30 J-11 को डिटेक्ट कर पा रहा है। ये जो डॉग फाइट आप देख रहे हैं ऐसे मैंने 100 से ज़्यादा डॉग फाइट कर लिया है, तो मैक्सिमम हर एक डॉग फाइट में जो रेंज रहता है वो 140 से 150 के बीच रहता है जिसमें SU-30 J-11 को डिटेक्ट कर पाता है। अभी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे ही वो रडार लॉक कर लेगा तब हम देखेंगे कितनी डिस्टेंस से SU-30 J-11 के ऊपर रडार लॉक कर पाता है। फिलहाल अभी हम उसके ऊपर रडार लॉक नहीं कर सकते, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन रडार लॉक नहीं हो रहा है। देखिए अभी जो है हमने J-11 के ऊपर रडार लॉक कर लिया है, ये देख रहे जो गोल सर्कल दिख रहा है वो J-11 है और हमारा रडार लॉक उस पर हो चुका है। तो अभी हमारे बीच जो डिस्टेंस है वो देखते हैं कितना है। अभी हमारे बीच लगभग 122 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि लगभग 122 किलोमीटर के डिस्टेंस पर SU-30 J-11 के ऊपर रडार लॉक को कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये कि अभी हमारे पास 122 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल नहीं है, हमारे पास अस्त्र मिसाइल है
जहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन अस्त्र मिसाइल जो है वो 122 किलोमीटर तक स्ट्राइक नहीं कर सकता, इसलिए हमको लॉन्च अथॉरिटी नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अस्त्र मिसाइल सिलेक्टेड है, लेकिन हम इसको अभी फायर नहीं कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कितने डिस्टेंस पर हमको अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए लॉन्च अथॉरिटी मिलता है। आप यहाँ पर से देख के भी जो रेंज है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो देखिए ये ऊपर आपको दिख रहा होगा 200 लिखा हुआ है और ये जो बॉटम लेयर है वो जीरो है, तो जो एक एक डॉट लगा हुआ है उसके हिसाब से आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है। लेकिन हमारे पास मैप है तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे हिसाब से हम 100 किलोमीटर के आसपास पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक हमको जो है लॉन्च अथॉरिटी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे देख के हम बता सकते हैं कि जो अस्त्र मिसाइल है उसको कितनी डिस्टेंस पे लॉन्च अथॉरिटी मिलने वाला है। अगर आप हर्ट पे देखेंगे तो पहले ऊपर आपको 100 दिख रहा है और ये नीचे 0 है, तो बीच में जो 1, 2, 3, 4 डॉट है तो वो 20-20 किलोमीटर के डिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से 70 और 80 किलोमीटर के बीच जो है 75 किलोमीटर के आसपास अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए हमको लॉन्च अथॉरिटी मिलने वाला है। 75 से थोड़ा ऊपर हमको मिलने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमको लॉन्च अथॉरिटी मिल गया है। अब मेरे हिसाब से जो डिस्टेंस ये 75 से ऊपर और 80 से थोड़ा नीचे होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पहले से आपको मैंने बताया था ये SU-30 है, ये J-11 है, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर के आसपास। और अभी हम अस्त्र मिसाइल को फायर कर सकते हैं J-11 के ऊपर, लेकिन अभी हम फायर नहीं करने वाले हैं, यानी कि BVR रेंज में अभी अगर फाइट हुआ तो अस्त्र मिसाइल हम 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फायर करने के लिए हमको लॉन्च अथॉरिटी मिल रहा है। अभी तक जो J-11 है वो हमारे ऊपर रडार लॉक नहीं किया है। अभी हमने पहला अस्त्र मिसाइल फायर किया, अभी जो है वो J-11 ने हमारे ऊपर रडार लॉक किया है। और अभी जो डिस्टेंस है वो कितना है, अभी ये जो डिस्टेंस है लगभग 54 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि लगभग 54 किलोमीटर के डिस्टेंस पर J-11 ने हमारे ऊपर रडार लॉक किया। लेकिन इस बात को अभी इग्नोर कीजिए क्योंकि J-11 AI है। जब मैं J-11 को उड़ाऊँगा तब देखें कि जो J-11 है वो कितनी डिस्टेंस पर SU-30 पर रडार लॉक कर पाता है। तो हमारे ऊपर मिसाइल आउट हो चुका है, हम एक और अस्त्र मिसाइल फायर की और डिफेंड करने लगे। J-11 हुआ दिख गया। हमने एक और अस्त्र मिसाइल फायर किया उसके ऊपर, वो डिफेंड कर गया था पहले वाले दो मिसाइल को। अब गिर गया उसको, J-11 अभी डिस्ट्रॉय हो गया है।
तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये J11 का कॉकपिट, और अभी हम लोग J11 की कॉकपिट पे मौजूद हैं। ये सारा का सारा आप देख सकते हैं चाइनीज में लिखा हुआ है, और या अगर आप जूम करके देखेंगे, देखिए सारा का सारा जो चीज़ है वो चाइनीज में लिखा हुआ है, जबकि SU-30 में ये सब रशियन में लिखा हुआ था। अभी अगर हम देखेंगे हमारे भी जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग दो सौ अट्ठारह 220 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इसमें PL-12 या PL-15 जैसे मिसाइल इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये DCS में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हम रशियन R-77 और R-73 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। जबकि J-16 में मैंने देखा है उसमें PL-12 मिसाइल लगता है, PL-15 मिसाइल लगता है, लेकिन इसमें नहीं लगता है। और आप अगर सोचेंगे कि इसमें रशियन पेलोड लगा हुआ है तो उस वजह से जो J-11 है उसके पास कुछ डिसएडवांटेजेस रहेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि J-16 के साथ मैंने PL-12 और PL-15 दोनों मिसाइल को टेस्ट किया है, तो उन दोनों के जो कैपेबिलिटीज है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो J-11 का रडार का परफॉर्मेंस है वो कैसा रहता है। अभी तक हमारे रडार स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अब जो है SU-30 जो है J-11 के रडार स्क्रीन पर आ चुका है। अभी अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये लगभग लगभग 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ऐसे मैंने लगभग 100 से ज़्यादा डॉग फाइट को कंडक्ट किया है, तो मैक्सिमम J-11 जो है वो SU-30 को 110 किलोमीटर के आसपास ही डिटेक्ट करता है। अभी तक देखिए हम रडार लॉक नहीं किए हैं, सिर्फ रडार में डिटेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए अब जो है SU-30 पर हमने रडार लॉक कर लिया है, और मेरे हिसाब से जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा, तो लगभग लगभग 94 किलोमीटर के डिस्टेंस पर J-11 ने SU-30 के ऊपर रडार लॉक कर लिया है। लेकिन अभी जो है हमारे पास लॉन्च अथॉरिटी नहीं है, हम मिसाइल को फायर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो है इसमें R-77 मिसाइल लगा हुआ है, तो R-77 मिसाइल का जो मैक्सिमम रेंज है वो 50 किलोमीटर के आसपास ही है, तो उतनी डिस्टेंस से हम पे लॉन्च अथॉरिटी मिल पाएगा। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास PL-12 या PL-15 जैसे मिसाइल होते तब भी जो है, मैंने इसको J-16 के साथ ट्राई करके देखा है, तो जो PL-12 मिसाइल है उसको फायर करने के लिए जो लॉन्च अथॉरिटी है वो लगभग लगभग 68 के बीच मिलता है, और जो PL-15 मिसाइल है उसको फायर करने के लिए लॉन्च अथॉरिटी 80 किलोमीटर के आसपास मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि जो PL-12 मिसाइल है वो R-77 मिसाइल से थोड़ा बेहतर है, लेकिन अस्त्र मिसाइल के मुकाबले वो थोड़ा इन्फीरियर है, और PL-15 मिसाइल जो है वो अस्त्र मिसाइल से थोड़ा बेहतर है, यानी कि अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए हमको 75-78 किलोमीटर के बीच जो है वो लॉन्च अथॉरिटी मिल जाता है, जबकि PL-15 मिसाइल जो उसको फायर करने के लिए 80 किलोमीटर के आसपास लॉन्च अथॉरिटी मिल जाता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी आपको डायरेक्टली दिखा सकता हूँ, क्योंकि J-16 के साथ उसको अगर हम फ्लाई करेंगे तब मैं आपको वो दिखा पाऊँगा, क्योंकि इसमें तो वो लगेगा नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी तक लॉन्च अथॉरिटी नहीं मिला है, और थोड़ा थोड़ा SU-30 हमको दिखने लगा है, अभी एक डॉट जैसा दिख रहा है। अभी जो है किसी वक्त हमको लॉन्च अथॉरिटी मिलने वाला है, ये देखिए लॉन्च अथॉरिटी मिल गया, और मेरे हिसाब से डिस्टेंस 60 किलोमीटर से थोड़ा कम होगा। देखो ये देखो 58 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से गौर करेंगे तो देखिए ये 100 किलोमीटर है, और एक जो दो दो डॉट लगा हुआ है वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पे लगा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम SU-30 पे मिसाइल फायर करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो SU-30 का मॉडल है ये एक यूज़र मेड मॉड्यूल है, तो इसका जो AI सिस्टम है वो इतना एडवांस नहीं है, जबकि J-11 का जो AI वो काफ़ी एडवांस है और काफ़ी बेहतर तरीके से डॉग फाइट करता है। और पिछली बार आपने देखा था, हमने जब मिसाइल को फायर किया तो ये लगभग दो अस्त्र मिसाइल को इवेड कर गया था,
और काफ़ी क्लोज रेंज में वो तीसरा मिसाइल उसको लगा था। लेकिन SU-30 का जो AI सिस्टम वो काफ़ी बेकार सिस्टम है, उसमें इतना अच्छा AI नहीं दिया गया है, लेकिन मॉडल जो है काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम थोड़ा और क्लोज इन करेंगे। तो अभी हमने एक R-77 मिसाइल को फायर कर दिया है और मेरे हिसाब से जो पहले वाले मिसाइल में ही SU-30 को लग जाएगा, क्योंकि SU-30 का जो AI सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब सिस्टम है। देखिए अभी तक जो है वो SU-30 ने हमारे ऊपर रडार लॉक नहीं किया। अभी हम ऐसे डिफेंड कर रहे हैं ताकि कोई रडार लॉक ना हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से उसने अभी तक हमारे ऊपर मिसाइल फायर नहीं किया है। इधर ही किधर होगा वो, वहीं पे हम एक और मिसाइल को फायर करेंगे। अभी वो एक नहीं, देखो एक मिसाइल उसको लग गया, पहला वाला मिसाइल उसको लग गया है, डैमेज है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, दिख गया सामने SU-30 है। हम एक और मिसाइल को फायर करेंगे अभी, क्योंकि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है वो। एक और R-77 हमने छोड़ा है उसके ऊपर, लेकिन अभी तक आपने देखा उसने एक ही बार हम पर रडार लॉक नहीं किया और ना ही हमारे ऊपर मिसाइल फायर किया है। तो ये AI की जो है लिमिटेशन है, क्योंकि जिसने भी उसका मॉड्यूल बनाया है उसमें AI जो है उतना अच्छा नहीं दिया है। हमने 3 R-77 दरअसल छोड़ दिए है SU-30 के ऊपर, एक और R-77 हमने छोड़ा है, ये भी लगा और डैमेज हो गया। लगभग 2 मिसाइल हमने लगाए SU-30 को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अभी हम लोग SU-30 के कॉकपिट में आ चुके हैं, ये राउंड 3 है। और अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे बीच जो डिस्टेंस है वो लगभग 220 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 222 के आसपास है। लेकिन पिछली बार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉफर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि इस बार हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉफर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमारा ECM अभी तक ऑन नहीं किया गया है, जिसको अभी हम ऑन करने वाले हैं। और इस बार जो J-11 है वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉफर का इस्तेमाल करने वाला है। नॉर्मली जो रडार की डिटेक्शन रेंज होती है उसके ऊपर ECM का कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम रडार को लॉक करने की कोशिश करते हैं तब मेनली जो इलेक्ट्रॉनिक वॉफर सिस्टम होता है वो काम करना शुरू कर देता है, और वो क्या करता है, रडार को जैम करने की कोशिश करता है। अब अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक वॉफर सिस्टम के काम करने के तरीके भी अलग होते हैं। अब यहाँ पर जो ECM हमारे पास मौजूद है फ़िलहाल के लिए SU-30 में, ये जो ये आप देख सकते हैं ये विंग टिप पे लगा हुआ है, एक इस साइड में और एक इस साइड में भी लगा हुआ है ये वाला। तो ये जो है ये एक रशियन ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक वॉफर सिस्टम है, लेकिन ओरिजिनली इंडियन SU-30 में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉफर का इस्तेमाल होता है वो 8222 जैमर है, जो कि फ़िलहाल के लिए हमारे पास नहीं है। ये एक रशियन सिस्टम है जो कि मेनली पुराने SU-30 में इस्तेमाल हुआ करता था। ओबियसली जो नए सिस्टम है वो DCS में नहीं आएंगे, लेकिन जो J-11 है उसके पास चाइनीज मेड जैमर मौजूद है, जो कि उसका ऑफिशियल मॉड्यूल है। और अभी हम लोग क्लोज इन कर रहे हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि कितने डिस्टेंस पर SU-30 इस बार J-11 को डिटेक्ट करता है। वैसे मैं पहले से जानता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने लगभग 100 बार J-11 और SU-30 के बीच डॉग फाइट किया है, और सेम सिचुएशन को मैंने कई बार 100 बार से ज़्यादा खेल लिया है।
तो अभी हम थोड़ा वीडियो को स्किप कर रहे हैं ताकि जब तक एक दूसरे को डिटेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत स्किप कर रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी वो हमारे रडार स्क्रीन पे आ चुका है और अभी दोनों फाइटर जेट के बीच जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 140 से 150 किलोमीटर के बीच है, लगभग 143 किलोमीटर है। तो वही है, पिछली बार भी हमने उसको लगभग 140 से 150 के बीच डिटेक्ट किया था, अभी भी हम उसको उतनी ही डिस्टेंस से डिटेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ था, हम लगभग 120 किलोमीटर के आसपास J11 के ऊपर रडार लॉक को कर पा रहे थे, लेकिन इस बार हम उतनी डिस्टेंस से रडार लॉक को कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि इस बार क्या होगा, उसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद रहने वाला है। नॉर्मली SU-30 का जो रडार है वो फाइटर साइज एयरक्राफ्ट यानी कि 3 मीटर स्क्वायर साइज के जो एयरक्राफ्ट है उनको 120 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है, उनके ऊपर रडार लॉक कर सकता है और 150 किलोमीटर के आसपास उनको डिटेक्ट कर सकता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा वाइजर ऑन कर रहा हूँ इसलिए आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। ये वो सामने जो दो डॉट दिख रहा है वो J11 है और अभी हम जैसे ही उस पर रडार लॉक करने की कोशिश करेंगे आप देखना क्या होता है। अभी आपने देखा, अचानक से जैसे हमने रडार लॉक करने की कोशिश की तो अचानक से जो J11 था वो रडार से गायब हो गया। अभी अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास होगा, क्योंकि उतने डिस्टेंस से हम लोग दिखे 120 के आसपास ही है और 120 किलोमीटर के आसपास ही हम J11 को ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने उसको ट्रैक करने की कोशिश किया, रडार लॉक करने की कोशिश की, वो अचानक से रडार से गायब हो गया। देखिए, फिर से हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से वो हमारे रडार को जैम कर रहा है। देखिए, रडार जैम दिखा रहा है और हमको एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो दिख रहा है, एक राउंड जो है रडार लॉक दिखा रहा है एक रीजन पे, पर्टिकुलर रीजन पे यहाँ पे, लेकिन हम उसको लॉक नहीं कर पा रहे। हमको पता तो है कि वो इसी रीजन में कहीं पर मौजूद है, लेकिन हम एक्चुअली उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे, उस पर मिसाइल को फायर नहीं कर सकते इसी सिचुएशन में। अभी हम थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करेंगे ताकि देखेंगे कि आखिर कितनी डिस्टेंस तक जो J11 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो SU-30 के रडार को जैम कर पाता है। देखिए, वही हो रहा है, हम जब भी उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं वो हमारे रडार को जैम कर रहा है, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का एक रेंज होता है जिसके बाद वो सामने वाले फाइटर जेट के रडार को जैम नहीं कर सकता है और उसको बंद हो ECM कहा जाता है, लेकिन उसके बारे में एक दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। अभी हम वही चीज़ करके देखने वाले हैं। देखिए, हमारा रडार जो है वो अभी भी जैम हो रहा है। देखिए, अभी जो है फाइनली हमने J11 के ऊपर रडार लॉक कर लिया है और अभी हम दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 70 किलोमीटर के आसपास, 70 किलोमीटर के आसपास, यानी कि 70 किलोमीटर के आसपास SU-30 के रडार को जो है वो और जैम नहीं कर सकता है J11 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। लेकिन इस पर आप मत जाइए, क्योंकि मैं जो ये डॉग फाइट है इसको लगभग 100 से ज़्यादा बार कर चुका हूँ, तो कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पर 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर भी J11 का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से मैंने लगभग 100 बार इसको कंडक्ट किया ताकि मैं देख सकूं कि एक्चुअली जो J11 का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो कितना एक्यूरेट है। जबकि SU-30 का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो रशियन सिस्टम है, वो हर बार सेम तरीके से काम करता है, लेकिन जो चाइनीज सिस्टम है कई बार ऐसा हुआ है जहाँ पर वो 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर फेल हो जाता है। अभी देखिए, हमारे पास अस्त्र मिसाइल भी है जो कि हम फायर कर सकते हैं। पिछले राउंड में मैंने आपको बताया था कि कितनी लगभग 70 किलोमीटर के आसपास, 78 किलोमीटर के आसपास हम अस्त्र मिसाइल को फायर कर सकते हैं, तो अभी हम आसानी से उसके ऊपर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा क्लोज इन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक जो, देखिए, एक अस्त्र मिसाइल हमने फायर किया यहाँ पे। मैं यहाँ पे लेवल ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे जहाँ पे अस्त्र मिसाइल हमारा जा रहा है। वो सामने एक धुआं जैसा दिख रहा है वो J11 है। हमने एक और अस्त्र मिसाइल यहाँ पे छोड़ दिया और अभी हम थोड़ा क्रैक कर रहे हैं ताकि अगर वो हमारे ऊपर मिसाइल को फायर करे तो हम उसको इवेड कर जाएंगे। J11
दो मिसाइल हमने छोड़े हैं मेरे हिसाब से, अभी वो डिफेंड कर रहा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं वो नीचे क्रैंक कर रहा है, यानी कि वो डिफेंड कर रहा है। अच्छा, उसको मिसाइल लग चुका है, वो अभी जो है J11 को मिसाइल लग चुका है और वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अभी हम लोग फिर से J11 के कॉकपिट में आ चुके हैं, ये राउंड 4 है और अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ डॉग फाइट करने वाले हैं। पिछले राउंड में हम SU-30 के कॉकपिट में थे और इस बार हम J11 के कॉकपिट में हैं। आप देख सकते हैं ये J11 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सारा चाइनीज़ में लिखा हुआ है, सबके सब चाइनीज़ में लिखा हुआ है यहाँ पे इस साइड में भी। तो अभी जो है हमारे बीच जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली वही 200-250 किलोमीटर के आसपास ही होगा, 211 किलोमीटर है। तो अभी हम क्लोज इन कर रहे हैं, बाकी हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं क्योंकि जब तक कि एक दूसरे को डिटेक्ट करते हैं तब तक इसको स्किप करना ही सही रहेगा, वरना वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ऐसे भी कुछ नॉर्मल बैठ के क्या देखना है आपको, ये सीनरी देखना है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वीडियो को थोड़ा स्किप करने वाले हैं, जब ये एक दूसरे को डिटेक्ट करना चालू करेंगे वहाँ पे चलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी जो है वो हमारे रडार पर आ चुका है, दो डॉट दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा लाइट पड़ रहा है तो सही से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी हमारे बीच जो डिस्टेंस है वो अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 110 के आसपास ही होगा, क्योंकि ये 110 किलोमीटर के आसपास ही SU-30 को डिटेक्ट करता है। देखा, 110 किलोमीटर है। और अभी हम इसको लॉक करने की कोशिश करेंगे, वैसे अभी 110 पे रडार लॉक नहीं कर सकता है, ये लगभग 90 किलोमीटर के आसपास रडार लॉक करता है। अभी मैं लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये रडार लॉक नहीं हो रहा है। पिछली बार जो था वो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास हमको रडार लॉक मिल गया था बिना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में। अभी देखते हैं कि जो J11 है वो कितनी डिस्टेंस पर रडार लॉक कर पाता है। अभी देखो मैं रडार लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी जो है देखिए वो गायब हो गया रडार, अभी फिर से आ गया जैसे ही मैं रडार लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जैम हो रहा है रडार हमारा, फिर से वही हो रहा है, जैसे ही मैं रडार लॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ वो जैम हो रहा है। ये सेम चीज़ हो रहा है, अभी ये कितने डिस्टेंस तक होता है ये देखने वाली बात है कि कितने डिस्टेंस तक SU-30 का जो जैमर है वो J11 के रडार को जैम कर पाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रडार है ये लॉक हो चुका है और ये जो डिस्टेंस अभी हमारे बीच ही है लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि लगभग 60 किलोमीटर के डिस्टेंस तक SU-30 का जो जैमर है वो J11 के रडार को जैम कर सकता है। और पिछली बार हमने देखा था जो J11 का जैमर था वो SU-30 के रडार को लगभग 70 किलोमीटर के आसपास जैम कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो जैम नहीं कर पा रहा था। और कई बार मैंने देखा है J11 का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये 90 किलोमीटर के आसपास भी जैम करना बंद कर देता है, तो इसका जो रिलायबिलिटी है थोड़ा इशू है। लेकिन SU-30 का जो जैमर है मैंने कई बार देखा है वो एकदम स्टेडी रहता है और वो 55 से 60 किलोमीटर के आसपास जो है वो J11 के रडार को जैम कर लेता है। अभी हम लोग मिसाइल फायर करने की कोशिश करेंगे, अभी
अभी हमको आप देख सकते हैं लॉन्च अथॉरिटी मिल चुका है, हम मिसाइल फायर कर सकते हैं। एक मिसाइल हमने फायर कर दिया है और मेरे हिसाब से SU-30 जो है वो हम पर अभी तक रडार लॉक नहीं कर रहा है, वो AI है। अगर SU-30 को अभी कोई रियल पायलट उड़ा रहा होता तो वो हम पर मिसाइल को फायर कर चुका होता। अभी हम एक और मिसाइल को फायर करेंगे, अगर ये मिसाइल उसको हिट नहीं करता है। अभी आप देख सकते हैं जो SU-30 है वो क्रैंक करना शुरू कर चुका है लेफ्ट साइड में, देखो वो लेफ्ट साइड को मुड़ना चालू कर चुका है और हम भी उसी के साथ मुड़ रहे हैं। ओ देखो वहाँ पे उसको एक हिट लगा, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुआ, वो फिर से एंगेज होने की कोशिश कर रहा है। अभी हम एक और मिसाइल को फायर कर चुके हैं, इस बार मेरे हिसाब से उसको डैमेज हो जाना चाहिए। वहाँ पे दिख रहा है SU-30 हमारे तरफ ही मुड़ रहा है, आपको दिख रहा है वहाँ पे। एक और लगा और वो गया, इस बार जो है वो डैमेज हो गया। अभी यही फाइट अगर हम क्लोज रेंज में करते तो वही AI भी मुझको हरा देता, मैंने कई बार देखा है। एक बार वो क्लोज रेंज में आ गया था और मैं GA-11 में था तो वो मुझे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया उसमें। जब तक GA-11 टर्न लेता है तब तक SU-30 उसको मार के निकल जाता है। किधर गया? यहीं पे था। चलो ये था J11 और SU-30 के बीच एक डॉग फाइट वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वैसे ये कोई सिनेमेटिक वीडियो नहीं था, मेनली इसको मैंने एक कंपैरिजन टाइप का रखा ताकि आपको पता चले कि दोनों की जो एयरक्राफ्ट है उनकी कैपेबिलिटी कैसी है और ये एक दूसरे के साथ किस हद तक कंपेरेबल होंगे। वैसे सिनेमेटिक वीडियो बनाना इससे काफ़ी आसान है क्योंकि इस तरीके की कंपैरिजन वीडियो बनाने में काफ़ी वक्त लगता है और अच्छे तरीके से दोनों एयरक्राफ्ट को समझना पड़ता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।